आप में से कितने भक्तों ने प्रॉपर लीलामृत पढ़ी है? तो प्रॉपर लीलामृत में प्रॉपर जी के परिश्रम प्रयास के विषय में आप ज्ञान प्राप्त करते हो। कई बार भक्त पूछ कहते हैं, हमें तो मौका ही नहीं मिला प्रॉपर जी की संगत का। तो प्रॉपर जी की संगत के पूरा लाभ मिल रहा है आपको इन ग्रंथों के माध्यम से। प्रॉपर जी कहते थे, आई एम इन माई बुक्स। तो लीला मीला में आप पढ़ते हो प्रॉपर जी की लीला, और इस समय आप उस स्थान पर पहुँचे हो जहाँ की अमेरिका में हमारे भक्तों का बहुत विरोध किया जा रहा था। प्रॉपर जी ने पहले केंद्र की स्थापना की थी न्यूयॉर्क में, और हंसते हंसते प्रचार फैलते गए। तो प्रचार तो फैल रहा था, पर जो ईसाई लोग थे, क्रिश्चियन और जूश खानदान के बच्चे, काफ़ी उनके बच्चे जुड़ गए थे इस कौर में, तो उन्होंने बहुत विरोध किया। और उन्होंने सरकार के सहयोग से एक प्रोग्राम बनाया डी प्रोग्राम करने का। डी प्रोग्राम समझते हो, मतलब कि उनका ये आरोप था, ये इस्कॉन वाले कुछ जादू कर रहे हैं, दे आर ब्रेन वॉशिंग आर चिल्ड्रन। ब्रेन वॉशिंग समझते हो, हमारे बच्चों के दिमाग को बिल्कुल पैरालाइज कर देते हैं। और ये मूवमेंट काफ़ी बड़ा हो गया था, और कई आदमी प्रोफेशनल बन गए थे, प्रोफेशनल डी प्रोग्रामर। उनका काम क्या था, उन बच्चों के पास जाना जिनके माँ बाप उनको महंगी फीस देते हैं, और उनको भक्ति से दूर ले जाना। और कई स्टेट्स में ये लीगल भी हो गया था, तो ये बड़ा प्रेस्टीजियस केस था। ये आस्ते आस्ते न्यूयॉर्क हाई कोर्ट में पहुंच गया, और उस समय प्रभा जी मायापुर में थे, और तो ये जो केस था काफ़ी बड़ा केस था, क्योंकि इसमें सामने की लीगल टीम ये बता रही थी कि हरे कृष्ण कोई वास्तविक धर्म नहीं है, इज नॉट अ बोनाफाइड रिलीजन, और स्वामी जी लोगों के दिमागों पर जादू कर देते हैं, तो इस प्रकार उनकी सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है और वो हरे कृष्ण बन जाते हैं। तो अंत में उनकी इच्छा क्या थी, इच्छा ये थी कि हरे कृष्ण मूवमेंट को डिक्लेयर करें इलीगल, ये था उनका भाव। तो थोड़ा यहाँ से पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे हिंदी में। तर्कों का आदान प्रदान होता रहा, और तक्षण उपस्थित अन्य भक्तों ने भी प्रभुपाद के तर्क को चुनौती दी, किंतु प्रभुपाद अपने तर्क पर अटल रहे। यदि कोई व्यक्ति मृत और जीवित मनुष्य में अंतर नहीं कर सकता, यदि उसे आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो उसके पास दिमाग नहीं। जब भक्तों ने शास्त्र में विश्वास की बात उठाई, तो प्रभुपाद ने कहा कि वे शास्त्र के आधार पर दलील नहीं दे रहे थे, तर्क के आधार पर बोल रहे थे। भक्त जो भी दलील देते, प्रभुपाद उसका जोरदार खंडन करते। जब प्रभुपाद अपने लोगों को अभ्यास करा रहे थे कि किस प्रकार आक्रामक दलीलों से बचाव पक्ष प्रस्तुत किया जाता है, उस समय उनमें बीमारी या कमजोरी का लेस मात्र भी लक्षण नहीं था। आदि केशव ने कहा, वे कहते हैं ये बहस हमारी समझ से ऊपर है। श्रील प्रभुपाद बोले, यदि तुम इसे अपनी समझ से ऊपर बताते हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं। प्रभुपाद के सहचर्य से आदि केशव में शक्ति और विश्वास उत्पन्न हुआ। आदि केशव ने कहा, उनकी शिकायत है यदि वह भक्त बन जाता है तो वह अपनी पहचान खो देता है, किंतु वास्तव में वे नहीं जानते कि वे कौन हैं। हम उन्हें इसी तरह
चुनौती देंगे कि पहचान खोने का क्या तात्पर्य है, तुम तो ये नहीं जानते कि तुम क्या हो, अतः तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ डायलॉग कर रहे हैं। प्रभुपाद जी का कहना ये है, वो कहते हैं ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, उनके पास ब्रेन ही नहीं है तो वॉश क्या कर रहे हैं। और प्रभुपाद ने कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि जीवित व्यक्ति और मरे हुए व्यक्ति में क्या अंतर है, उनके पास आत्मा का ज्ञान नहीं है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हो उनकी बुद्धि का क्या फायदा। तो प्रभा जी ये स्थापित कर रहे थे कि वो बड़ा बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ब्रेन वॉशिंग, हर एक ऐसे मूवमेंट इज ब्रेन वॉशिंग एवरीवन, बट दे डोंट हैव ब्रेन, व्हाट इज इट दे वॉश। तो फिर प्रभा जी ने समझाया असली बुद्धि क्या है, ये ध्यान में ज्ञान रखना कि आत्मा और देह में क्या अंतर है। तो इस प्रकार प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ डायलॉग कर रहे थे। और आगे प्रभुपाद ने ये फिफ्थ स्कैंडो का श्लोक सुनाया जिसमें कहा गया है व्यक्ति को माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपनी औलाद को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे सके। तो ये बड़ा बहुत बड़ा केस था और आप मानोगे नहीं, March 17, 1977 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क ने अपना निर्णय दिया। और निर्णय क्या था, हरे कृष्ण मूवमेंट इज अ बोनाफाइड रिलीजियस मूवमेंट। सुनना चाहते हो जजमेंट, हरे कृष्ण मूवमेंट इज बोनाफाइड रिलीजन, वॉशिंगटन March 18th। हरे कृष्ण मूवमेंट वॉज कॉल्ड अ बोनाफाइड रिलीजन यस्टरडे द न्यूयॉर्क हाई कोर्ट जस्टिस हु थ्रू आउट द टू चार्जेस अगेंस्ट द ऑफिशियल्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ लीगल इम्प्रिजनमेंट इन अटेम्प्टेड एक्सटॉर्शन। तो ये जो सामने की पार्टी जैसे केस की थी, दो बच्चों के माँ बाप ने केस किया था, तो जो कोर्ट था उसे बाहर फेंक दिया कि चार्जेस कि जबरदस्ती इन बच्चों को बिठाया जा रहा था। द चार्ज हैड बीन प्रेफर्ड बाय एन एंग्री पेरेंट एंड हिज सन एज वेल एज अनदर डिसिपल हैड बीन हेल्प बाय द मूवमेंट इलीगली दैट दे हैड बीन ब्रेन वॉश्ड। द एंटायर बेसिक इशू बिफोर द कोर्ट सो द जस्टिस इज डिसमिसिंग द चार्ज। जो जज ने सारे चार्जेस को डिसमिस कर दिया। मेन पॉइंट क्या था, ये लोग जबरदस्ती हमारे बच्चों को अपने घर में रख रहे हैं, मंदिर में रख रहे हैं। तो बहुत बड़ा केस था और न्यूयॉर्क के और सब विश्व के बड़े अखबारों में ये रिजल्ट आया था। तो प्रभुपाद जी बड़े खुश थे ये जजमेंट के बाद, क्योंकि न्यूयॉर्क हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो हरे कृष्ण मूवमेंट है इसके रूट्स हैं इंडिया में वैदिक कल्चर में, एंड इट इज रॉन्ग टू से हरे कृष्ण मूवमेंट इज इमेजिनरी। तो उसके बाद इस्कॉन को अमेरिका में काफ़ी इज्जत बढ़ गई थी क्योंकि न्यूयॉर्क हाई कोर्ट का जजमेंट था। सो इस संस्था को स्थापित करने के लिए काफ़ी परिश्रम प्रभुपाद जी को करना पड़ा। और जब अमेरिका में भी पहुँचे तो कईयों ने उसका आरोप किया, पर अंत में किसकी विक्ट्री हुई, कृष्णा की। सो यहाँ तक पढ़ेंगे प्रभुपाद लीला की।